हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की, हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की, हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की, हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की,